योर ऑनर प्लीज समझिए, ये संतान ऊपर वाले की देन होती है। अब उसकी मर्जी है, बच्चा हो बच्चा ना हो, तब उसी की माया है। अच्छा, और बच्चे की देखभाल, उसकी सही खुराक, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सुनहरा भविष्य। बात यहां तक पहुंची कैसे? अर्जुन, इस पेन ड्राइव में वो हर एक केस की डिटेल है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे अंडर आई थी। तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है तो पूछ लो। यू नो, इस ऑफिस में आज मेरा लास्ट डे। शिमा, तुम यू अजनबी की तरह क्यों पेश आ रही हो? प्लीज बैठो तो। अर्जुन, हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों अजनबी बन जाएं। आशिमा, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब से मैं मुंबई वापस आया हूं, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, बहुत कुछ। I don't know, Arjun. Okay, आशिमा, मैं समझ सकता हूँ। देखो, कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं चलता है कि वो बदल गया है या बदल गई है। मौसम भी फिर लौट कर वापस आते हैं आशिमा। मैं चाहता हूँ कि वो आशिमा फिर लौट कर आए जिसे मैं सालों से जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता अर्जुन, वो आशिमा कहाँ खो गई है। देखो आशिमा, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं अर्जुन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। शायद तुम्हें ना समझने का जुर्म किया है मैंने। उस जुर्म की सजा मैं भुगत रही हूँ अर्जुन, वो ऐसी सजा है जो किसी से बांटी नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है जो मेरे जीने की चाह थी, उमंग थी, वो छिन गई हो। देखो आशिमा, पिछले कुछ हफ्तों से तुम इस कंपनी को अकेले चला रही हो, ऊपर से ये वकालत का प्रेशर 24 घंटा। I'm sure, तुम्हें सपने भी कोर्ट कचहरी के ही आते होंगे। देखो, I know the feeling, मैं ये सब फेस कर चुका हूँ। कि क्या कह रहे हो अर्जुन? थक गई हो तुम? कहीं भी चली जाओ, पहाड़ों पे चली जाओ, समंदर के किनारे चली जाओ, किसी खूबसूरत शहर में भीड़ में खो जाओ, जस्ट टेक अ ब्रेक। बस मैं चाहता हूँ कि वो पुरानी आशिमा एक नए जज्बे और चेहरे पर एक नई रोशनी के साथ लौटे। शहर बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन आपको बुलाना आसान नहीं है। कोशिश कर रही हूं हर दिन हर पल आपको भूलने की। बार ये सवाल आते हैं कि प्यार तो पलक झपकते ही हो जाता है, पर प्यार को बोलने में सारे
सारी जिंदगी क्यों बीत जाती है? और मेरी बदनसीबी देखिए कि मुझे आपकी आदत हो गई है। आपसे कहा था कि प्यार करोगे तो घाव मिले और खुद ही आप प्यार कर बैठे। उम्मीद करती हूं कि आपकी जिंदगी में बस खुशी हो। मेरे आंसू शायद मुझ पे हंसते होंगे, जिनके लिए बहते हैं उनको शायद खबर ही नहीं। आपकी यादों में आई तो मुस्कुरा जरूर देना। आशिमा कहाँ खो गई हो? वादियों में? अर्जुन, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। Well, in that case, मैं यही कहूंगा कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले। जिंदगी की सारी खुशियां वही तो छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो कागजात और सबूत भेजे हैं, कसम से क्या कहूं, दिल जीत लिया आपने। मदोक साहब, चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। हमने तो भाई एक आम आदमी होने का फर्ज पूरा किया है, बस और क्या। आई मीन, इसमें इतने सारे कांड छुपे हुए हैं जिसका तो मुझे अंदाजा तक नहीं था। हमने जो कागजात भेजे हैं वो उसको जेल भेजने के लिए काफी होंगे। अजी, वो आ तो जाएंगे अंदर मगर जा ना पाएंगे। जान तो जाएगी मगर जान से ना जाएंगे। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। एहसान किस बात का? मैं, हम तो आम आदमी हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई न्याय हो, है ना, और जल्दी हो। और हमें क्या चाहिए भाई? आपको बिना चाहे सब कुछ मिलेगा। सरकार की तरफ से मेडल और समाज में एक इमेज। हमने कहा था ना, इमेज, अपनी छवि के ऊपर चार चांद लग जाएगा। मदोक साहब, अरे ये एंगल पे तो हमने सोचा ही नहीं। अरे भाई, इसका ढिंडोरा हम लोग खुद पीटेंगे ना, अखबार, टीवी, रेडियो स्टेशन, सब जगह। और हम लोग जा जाके पब्लिक को बताएंगे कि आप कितने नेक इंसान हो। मदोक साहब, वो दिगंबर को तो हमने ऐसे किसी बहाने से भेज दिया आपके पास। हाँ, हुजूर सामने बैठे हैं, माता को जा रहे हैं। अभी आप हमें बहुत देर से बाबा बाबा कह के नहीं बोल रहे हो। चलो अच्छा है भाई, इस मामले में हमारा नाम ना ही आए तो ज्यादा बढ़िया होगा। अरे फिर कैसे कैसे ढिंडोरा पिटेगा? अगर नाम सामने नहीं आएगा तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई इतने नेक कर्म तुमने किए हैं? अखबार, टीवी, रेडियो स्टेशन का क्या होगा? मधोक साहब, एक बार वो जेल में तो चला जाए, वो भी कर लेंगे बड़े पैमाने पर। हाँ, ये भी ठीक है, रखते हैं। कौन था? अरे मेरे बारे में क्या बोल रहा था वो? बाबा पहलवान।
दिगंबर ये पसीना पहुंचना छोड़ दो भाई, तुम्हें पता है ना कि जेल में पंखे नहीं होते। क्या सुधा क्लिनिक के आड़ में गैर कानूनी ऑपरेशंस कराने और लोन कंपनी के नाम पर लोगों को लूटने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूं। मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी आपकी सेवा में। और मैं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा, सत्य की अदालत के बारे में बताने के लिए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मुन्ना हुँ? क्या तुमको पता है पन्ना के पिटारे में क्या क्या होता है? पिटारे में? हाँ, कंडोम और गोलियां। देखा, जब पता था तुम्हें याद नहीं होगा। क्यों, उसमें सुई और आईयूडी यानी कॉपर्टी भी तो है। अरे हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि इतने सारे गर्भ निरोध के उपाय उपलब्ध होने के बाद भी अगर कोई आदमी उनका इस्तेमाल ना करे और अपनी पत्नी को भी उनका इस्तेमाल करने से रोके तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे पता नहीं, देखते हैं सत्य की अदालत में। बैठी। तो आप हैं मिसेस शुभांगी जी और आप हैं श्री सूर्यवंशी जी। आप दोनों पति पत्नी हैं, राइट जी। और सूर्यवंशी जी आपकी पत्नी ने आप पर केस कर दिया जी। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट शुभांगी का दावा है कि उनके पति ना तो अपनी पत्नी की सेहत की फिक्र करते और ना ही अपने घर के आर्थिक हालात की और ना ही अपने परिवार के भविष्य। योर ऑनर, ये एक बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात इल्जाम है। समाज में मिस्टर सूर्यवंशी की इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश है। योर ऑनर, मिस्टर सूर्यवंशी किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक उपाय को इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं क्योंकि इनकी नजर में औरत केवल मशीन है, बच्चा पैदा करने वाली, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसे विचार रखने वाले मिस्टर सूर्यवंशी अकेले इंसान नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल निसर्ग यानी नेचर के अलिखित कानून के खिलाफ है। योर ऑनर, औरत को तभी प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती होना चाहिए जब वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही सूरतों में पूरी तरह से रेडी हो। और मिसेस शुभांगी अभी तैयार नहीं है। मैं क्या जज साहब, ये भी बाप बनने के लिए तैयार नहीं। शुभांगी जी बताइए, ये कैसे क्यों तैयार नहीं है? जज साहब, ये महीने के 9,000 ही कमा पाते हैं जिसमें से घर का किराया 4,000 है, मात्र 5,000 ही रुपये हाथ में आते हैं। अब ऐसे में एक बच्चा आ जाएगा तो घर कैसे चलेगा? योर ऑनर, एक पति होने के नाते मिस्टर सूर्यवंशी का हक बनता है। इनके हक से हमें कोई इनकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक हमारे घर के हालात बदल नहीं जाते तब तक ये बच्चे के बारे में ना सोचे। तो जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक क्या ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हरगिज नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये कंडोम इस्तेमाल करें या फिर मुझे गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल करने दें। ये नामुमकिन है। क्यों भाई? तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना है। गर्भ निरोधक उपाय सरकार की तरफ से तुम्हें बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? योर ऑनर प्लीज समझिए, ये संतान ऊपर वाले की देन होती है। अब उसकी मर्जी है, बच्चा हो बच्चा ना हो, सब उसी की माया है। अच्छा, और बच्चे की देखभाल, उसकी सही खुराक, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सुनहरा भविष्य, ये सब के लिए तो हमें ही बंदोबस्त करना होगा कि ऊपर वाला आएगा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जो बात नेचर यानी निसर्ग के खिलाफ है। कौन सी बात? कौन सी बात वकील साहब, और किसके खिलाफ? योर ऑनर, अगर ऐसी कोई बात है तो वह हम औरतों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है? बैठो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं?
जज साहब, मैं जब भी बात उठाती हूँ इनकी एक ही रट लगी रहती है, शुभांगी बच्चे ऊपर वाले की देन है। तो मैंने इनसे कहा कि आप कमरे में सो जाया कीजिए और मैं रसोई में, अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो बच्चा अपने आप ऊपर से टपक जाएगा, वरना जैसा जीवन चल रहा है चलता रहेगा। वाह 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 योर ऑनर, देखा आपने, इन्होंने एक गर्भ निरोधक को धर्म विरोध का चोला पहना दिया है। क्या चाल चलिए, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। वकील साहब, इस दुनिया में धर्म मजहब चाहे जितने भी हैं, उनका मकसद मात्र एक है, लोगों को तकलीफों से छुटकारा दिलाना, ना कि उनकी तकलीफें बढ़ाना। और योर ऑनर, मेरा मानना तो यह है कि जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, उसकी मदद करने के लिए भगवान भी ऊपर वाला भी नहीं आ सकता। योर ऑनर, आप देख रहे हैं, अब ये मुद्दा कानून के दायरे से निकलकर जज्बात और फलसफे की आड़ में छिपना चाहता है। क्या चाल चली है इन दोनों महिलाओं ने, बहुत टीवी सीरियल देखती हैं ये। आप शांत हो। एक स्त्री का हक उसके अपने शरीर पर केवल नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनन भी, वो कब माँ बनना चाहती है कब नहीं, इसका फैसला केवल मर्द के हाथ में कैसे हो सकता है। माफ कीजिएगा योर ऑनर, पर वो बीवी ही क्या जो माँ बनने से इनकार करे। इरशाद है, वो बीवी ही क्या जो माँ बनने से इनकार करे, और वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी को माँ ना बना सके। क्या बात कही है मैंने, क्यों? आप शांत हो जाइए और बैठ। मुझे माँ बनने से इनकार नहीं है जज साहब। तो बताइए बताइए किस बात से इनकार है आपको, अदालत को बताइए। इनसे कहिए कि अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी बात का जवाब दे। किस बात का जवाब? जज साहब, ये बच्चा इसलिए नहीं चाहते कि वो बड़ा होकर कुछ बन सके, बल्कि ये दुनिया को अपनी मर्दानगी का सबूत दिखाना चाहते हैं। फिर चाहे उसे पाल पोस कर हम बड़ा करने के लायक हो या ना हो। तू मेरी बीवी होकर मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है? अरे जज साहब के सामने मेरी मर्दानगी को ललकार रही है। मिस्टर सूर्यवंशी, वो आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, आपसे फरियाद कर रहे हैं। भला ये भी कोई वजह होती एक नन्ही सी बेबस जान को इस दुनिया में लाने की? आपको ठीक लगता है? जज साहब, मैं अपने पति से कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बेशक बोलिए। आप दुनिया से अपनी मर्दानगी का सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? ये सर्टिफिकेट, ये सबूत मुझसे बेहतर कौन दे सकेगा आपको? मैं आज सबके सामने ये कहती हूँ कि एक काबिल मर्द है और साथ ही एक अच्छे इंसान भी है, पर इनकी जो ये एक रट है ना, ये मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप देख रहे हैं, एक तरफ तो ये इन्हें अच्छा इंसान कह रही है और फिर ये कहती है कि ये अच्छा इंसान इनके दिल को ठेस पहुंचाता है। ये तो चाशनी में डुबोगे जूते मारने वाली बात हो गई। देखिए वकील साहब, आप और हम कौन होते हैं किसी के घरेलू मामले में दखल देने वाले। देखिए, आपसे मेरी दरखास्त है कि आप अपने दायरे में रहिए और शांत रहिए। सूर्यवंशी जी, आप बोलिए। ये सच है जज साहब कि मैं सिर्फ 9,000 रुपये पर महीने कमाता हूँ और आज के दौर में ये किसी औलाद को हर मुमकिन सहूलियत देने के लिए काफी नहीं है। सूर्यवंशी साहब, जल्दी क्या है, थोड़ा हालात को सुधारने दीजिए। योर ऑनर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जवान हूँ, बहुत मेहनत कर सकता हूँ, अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ और मैं बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ, ये बेबसी और गरीबी नहीं। आज मुझे समझ में आ गया है, शादी या तो एक तरफा समझौता होता है या दोनों तरफ की बराबरी की भागीदारी। और बच्चा कब होगा, बच्चा कैसे बड़ा होगा, ये हम दोनों मिलकर तय करेंगे। और तुम्हें जो भी गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल करना है, जो भी पसंद हो, तुम कर सकती हो। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं भी हमेशा कंडोम इस्तेमाल करूँगा। आज आप मेरी नज़रों में बहुत बड़े इंसान हो गए। बहुत कम मर्द होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं, अपनी पत्नी का इतना सम्मान करते हैं। मेरे केस करने से अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो
मैं माफी मांगती हूँ। शुभि, कैसी बात कर रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें कानून के दरवाजे तक आना पड़ा, और अगर तुमने ये केस नहीं किया होता तो शायद मैं और भी छोटा इंसान बन जाता। ये केस बर्खास्त किया जाता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे अब क्या हुआ भाई? मुझे एक सेल्फी तो दिलवा दीजिए। बिल्कुल। एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक कहावत और होनी चाहिए, आमदनी अठन्नी फिर भी बच्चा हो गया, और वो भी साल दर साल। सत्य की अदालत में हमने देखा, एक आदमी बच्चे पैदा करता है दुनिया को अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए। भाई साहब, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, असली मर्द वो है जो अपने परिवार को सुखी रखे, जो अपने बच्चों को अपने आप से बेहतर भविष्य दे सके। एक अजीब बात देखी मैंने, हमें कर्जा मांगते शर्म नहीं आती, मगर कॉन्डम मांगते आती है। यानी हम अपनी गरीबी का ऐलान करते हैं, मगर उसके कारण का इलाज करने से कतराते हैं, जैसे कॉन्डम बाबा ने समझाया। ये कोई शर्म का नहीं बल्कि गर्व का विषय है। कॉन्डम और उसके बारे में हर जानकारी मुफ्त में और खुले में आपको उपलब्ध है। हाथ बढ़ाओ, आगे आओ, और अपने छोटे से परिवार को कहीं आगे ले जाओ, और देखते रहो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ।